जी बोल रही हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है, छमक छल्लो। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जा, क्या चाहती हो तुम? क्या वो गाना अच्छा नहीं लगा क्या? आज मौसम बड़ा बेईमान है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रोज रोज मेरे घर के बाहर आके मुझे परेशान करते हो। तमीज। तुम फिर आ गए? इतना गुस्सा क्यों दिखाती हो जाने मन? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रोज रोज मेरे घर के आगे आके मुझे परेशान करते हो। तुम कहो तो यहीं पे घर डाल लूं अपना। शर्म नहीं आती? रोज रोज मेरे घर के बाहर आके दरवाजा खटखटाते हो, गंदे इशारे करते हो, आपको शर्म नहीं आती? आपके घर पे माँ बहन नहीं है? कितना बुरा लगता है जब आप मुझे इस तरीके से देखते हो, टॉर्चर करते हो। शर्म तो बहुत आती है लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर जो हूँ जाने मन। अच्छा होगा आप दोबारा मेरे घर पे नहीं आओगे, वरना मैं अपने भाई को बोल दूंगी। जाजा जिससे कहना है कह दियो, अपने भाई से कह दियो, अपने पापा से कह दियो, जिससे कहना है कह दियो, मुझे नहीं डर लगता। मैं भी चाहता हूँ तेरा भाई मेरे सामने तो आए किसी दिन, मैं भी देख लूंगा मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी। इतना बुरा लगता है जब आप मुझे गंदे इशारे करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कितना टॉर्चर फील करती हूँ मैं। आपको शर्म नहीं आती? आपके घर पे माँ बहन नहीं है? तुम कहो तो तुम्हारे घर के बाहर ही डेरा डाल के बैठ जाऊं, छमक छल्लो। भैया मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। क्या हो गया? एक लड़का घर के बाहर आके मुझे रोज परेशान करता। क्या? अच्छा उसकी ये हिम्मत, रोज तुम्हें घर आके छेड़ के जाता वो? हाँ, मेरे घर में आके छेड़ता वो? हाँ, मेरी बहन को। भैया वो बहुत गंदा लड़का है, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। क्या? हाँ भैया मुझे रोज परेशान। उसकी ये मजाक कौन है वो लड़का, कभी देखा तुमने उसको? नहीं देखा भैया, घर के बाहर ही आता है, रोज आता है घर के बाहर, आता है दरवाजा खटखटाता है और मुझे परेशान करता है, गाने भी गाता है। भैया कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, कल मैं छुट्टी लूंगा, मैं बताऊंगा उसको। कल मैं गेट पे जाता हूँ, मैं खोलने के लिए देखता हूँ कैसे वो छेड़ता है। कभी देखा तुमने उसको? नहीं भैया बस घर के बाहर ही। कोई बात नहीं, उसकी ये मजाक मेरे घर में आके मेरी बहन को छेड़ता है, मैं कल जाके देखता हूँ उसको। कल मैं गेट खोलूंगा, मैं कल कल छुट्टी पे रहूंगा, कल मैं जाके गेट खोलूंगा, तुम मत खोलना गेट। ठीक है भैया, आप उसे अच्छे से सबक सिखाना, मुझे रोज परेशान करता है वो। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो बहन, मैं उसको कल मैं देखूंगा। भैया भैया दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही है, लगता है वो वही लड़का है। हाँ, हाँ। आज तो यही बैठ, मैं जाके देखता हूँ कौन है वो, रोज रोज आ जाता है मेरी बहन को छेड़ने के लिए, आज मैं देखता हूँ उसको कौन है वो, मैं देखता हूँ कौन है वो लड़का। यही है भैया। क्या है भैया, क्या गर्मी है तुझे, रोज रोज क्यों आ जाता मेरे? क्या है बहुत गर्मी छा रही है तुझे, गर्मी छा रही तुझे? सुन मेरी बात, तुझे शर्म नहीं आती रोज इसी तरीके से मेरी बहन को आके मेरे कॉलेज के बाद छेड़ता है? लगी ना मिर्ची, मुझे भी इसी तरीके से बुरा लगता है जब तू मेरी बहन को आगे रोज छेड़ता है। फिर कोई इतनी शर्म नहीं है? मैं रोज तुम्हें छेड़ने सिर्फ इसीलिए आता था ताकि इस आदमी को यह एहसास हो सके कि जो ये मेरी बहन के साथ करता है वो अगर इस पे बीतेगी तो क्या होगा। आज के बाद किसी की बहन को कभी मत छेड़ियो, थोड़ी सी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरियो। तो दोस्तों अगर आप भी किसी की बहन के साथ ऐसा होते कभी भी देखें तो कभी भी अत्याचार ना होने दें। हर बहन को हर माँ को बचाना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने दक्ष वर्सेस सौम्या को फॉलो या फिर सब्सक्राइब नहीं कराया तो जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।